हरदोई के नोडल अधिकारी आईजीएस के भगत अपने दो दिवसीय समीक्षा बैठक व जिले की गतिविधियों पर जानकारी जुटाने हरदोई पहुंचे। यहां पुलिस लाइन सभागार में नोडल अधिकारी आईजी ने जिला अधिकारी एसपी के साथ जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जानकारी भी जुटाई व शासन की मंशा से भी अवगत करवाया गया। जी हां, पत्रकारों से वार्ता के दौरान आईजी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के लिए वह और भी सभी जिला प्रशासन सजग है। फैसले के लिए सभी प्रकार की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। राम मंदिर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसका अनुपालन करवाना उनका दायित्व है और इसको लेकर सभी पुलिस व जिला प्रशासन सजग है। कमलेश तिवारी हत्याकांड पर आईजी ने कहा कि हत्याकांड के बाद सभी प्रकार के बिंदुओं पर जांच करके कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई और विवेचना की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरदोई में समीक्षा के दौरान कुछ कमियां मिली हैं जिनके सुधार के लिए डीएमएसपी को कहा गया है और 4 से 5 दिन में उन कमियों को दूर कर लिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि आप अवगत हैं कि शासन के द्वारा विभिन्न जिलों सभी जिलों के एक एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं और जो है 2 दिन का उनका भ्रमण का कार्यक्रम है निर्धारित की गई है, जिसमें विभिन्न स्तर के जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है उसमें क्या चल रही है, क्या कोऑर्डिनेशन लेवल है, क्या क्या कमियां हैं, उसके लिए जो है एक प्रारूप दी गई है जिसमें उसकी आकलन करना है। उसी क्रम में चूँकि 22-23 तारीख को आना था लेकिन एक व्यस्त कार्यक्रम के वजह से जो है मैं नहीं आ पाया था और आज और कल का 2 दिन का यहाँ का भ्रमण कार्यक्रम है। वर्तमान में अभी तक हमने जो है जिला स्तरीय जितने अधिकारी हैं, चाहे वो वन विभाग हो, खनिज विभाग हो, विद्युत विभाग हो, सब बिजली और मेडिकल विभाग हो, सभी के अधिकारी, डीएम साहब, एडीएम साहबान, सभी पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों की एक लंबी बैठक चली है और उसमें बाय एंड लार्ज हमने ये पाया है कि जो है जो कोऑर्डिनेशन जनपद में कोऑर्डिनेशन चल रही है वो बाय एंड लार्ज ठीक तरीके से चल रही है। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं वो डीएम साहब और एसपी साहब ने नोट कर लिया है और उसको निश्चित तौर पे अगले 2-4-5 दिन में उन कमियों को दूर कर लेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आना है अयोध्या को लेकर, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आना है वो निर्णय का अनुपालन कराना हम सबका दायित्व होगा और जो भी तैयारियां के संबंध में आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सजग है, जो भी निर्णय आएगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। सर, आप कमलेश तिवारी वाली बात कर रहे थे, कमलेश तिवारी की पत्नी का कल का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम NIA से जाँच कराना चाहते हैं, ATS और UP पुलिस पर भरोसा नहीं। देखिए, इस संबंध में अभी वर्तमान में ये अलग से आप इसके संबंध में हमसे वार्ता कर लीजिएगा। जो भी साक्ष्य इकट्ठा हुए थे इस प्रकरण में सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया है, एक टीम बनी है जिसमें सभी कंपीटेंट ऑफिसर्स हैं और विभिन्न तरह के हर पहलू को जांच करके उस पर अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जा रही है। पहले भी कमलेश तिवारी की माँ किसी लोकल नेता पर आरोप लगा रही थी। इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी विवेचना हुई है और जो भी विवेचना चल रही है एब्सोल्युटली एज पर लॉ एंड एज पर द एविडेंसेस और पर्याप्त साक्ष्य है। आपने देखा होगा कि कैसे 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा हुआ है और हम लोग बैक ट्रैक करके घटनास्थल से बैक ट्रैक करते हुए जहाँ से वो चले हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और सभी लोगों को बाय एंड लार्ज लगभग सभी लोगों को इसमें हम लोगों ने रैप अप किया है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।